हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृतिका क्लासेस। जैसे ही फ्रेंड्स 1 अप्रैल को IBPS का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो बच्चों के सवाल आने लगे कि FCI AZ3 का रिजल्ट आखिरकार कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि FCI AZ3 का रिजल्ट कब तक आएगा और डिफरेंट डिफरेंट जोन्स की पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। फ्रेंड्स, आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि DV के लिए 3 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा जितनी पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग। मान लो आपकी पोस्ट 352 है तो DV के लिए 352 का 3 गुना कैंडिडेट्स जो कि लगभग 1056 है उनको बुलाया जाएगा। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट है कि मेंस की भी क्या कोई वेटिंग लिस्ट आएगी। आपको यहाँ मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि मेंस की कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। DV के लिए उन्हीं 3 गुना कैंडिडेट्स को उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा जिनके मार्क्स अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी वो DV के बाद आएगी। DV के लिए जो 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा उन्हीं में से जिन बच्चों के रैंक अच्छा होगा उनकी सिलेक्शन हो जाएगी और जो पीछे कैंडिडेट्स बचेंगे उनकी सिलेक्शन उनकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। इन केस कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपनी ज्वाइनिंग नहीं लेता तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जाएगा। आपको ये बात तो यहाँ क्लियर हो गई होगी कि मेंस की कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है। जिन बच्चों का DV होगा उन्हीं 3 गुना कैंडिडेट्स में जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी, जो पीछे रह जाएंगे उन्हीं की वेटिंग लिस्ट आने वाली है। आई होप मैं आपका ये डाउट क्लियर कर पाई हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं पोस्ट वाइज एंड जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। फ्रेंड्स, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, एक्चुअल कट ऑफ को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हम सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही आपको बता सकते हैं। ये फ्रेंड्स जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की है वो काफ़ी सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। जैसे पहले RTI डाली गई थी अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस को ध्यान में रखते हुए कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है मेंस का, जो आपका इस बार पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, आपको सेक्शनल टाइम मिला है उसको ध्यान में रखते हुए डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम आदि को कंसीडर किया गया है। फ्रेंड्स, सभी जोन्स का कट ऑफ डिसाइड करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, तो ये एक एवरेज कट ऑफ है। एक्चुअल कट ऑफ थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो सकती है। जिन जोन्स का कंपटीशन थोड़ा कम है, जैसे ईस्ट जोन इधर थोड़ा सा कंपटीशन कम है, वहाँ कट ऑफ थोड़ी सी कम रहने की उम्मीद है। जिस जोन का कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, जैसे हमारा नॉर्थ जोन, वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा ही रहने की उम्मीद है। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिपो की, जर्नल की। डिपो की जर्नल अनरिजर्व की कट ऑफ 70 ± 3 रहने की उम्मीद है। जर्नल के लिए, जर्नल एग्ज़ाम के लिए 73 ± 2 रहने की उम्मीद है। OBC की डिपो के लिए 67 ± 3, EWS के लिए 68 ± 3, SC के लिए 63 ± 3 और ST के लिए 61 ± 3 और जनरल पोस्ट के लिए अनरिजर्व की 73 ± 2 रहने की उम्मीद है। OBC के लिए 68 ± 3, EWS की 70 ± 3, SC की 65 ± 3, ST की 62 ± 3। फ्रेंड्स, आप अपने आप से अंदाज़ा लगा लीजिए, एक कट ऑफ सभी जोन को लेकर डिसाइड की गई है। जिन जोन का कंपटीशन थोड़ा कम है वहाँ कट ऑफ 71 या 72 रहने वाली है। जिन जोन का कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है वहाँ कट ऑफ हो सकता है 73 हो, ऐसे इस अकॉर्डिंग आप ध्यान रख लीजिए कि आपकी आप किस जोन से अप्लाई किया है और वहाँ पर कंपटीशन किस लेवल का है। मेरे अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने के चांसेस हैं। ये दोनों पोस्ट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है और इनकी कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा ही जाएगी। इसका आपको एडवांटेज भी होगा और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज आपको ये होगा, इनमें से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन IBPS और अदर गवर्नमेंट जॉब में हो गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे डिपो और जर्नल में ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये ओपन है और हर ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। कुछ अदर पोस्ट के लिए जैसे हिंदी ट्रांसलेटर, टेक्निकल
अकाउंट्स के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वाले ही अप्लाई कर सकते थे। उन पोस्ट की कट ऑफ थोड़ी कम जाने की उम्मीद है क्योंकि उनमें हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता था और एप्लीकेशन भी उनमें जनरल और डिपो के कंपैरिजन कम अप्लाई हुई हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल और अकाउंट्स की कट ऑफ के बारे में। टेक्निकल की जो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ है वो 94 प्लस माइनस 3 रहने की उम्मीद है। एक कट ऑफ जो टेक्निकल की है हमारी आउट ऑफ 240 है। आपको पता होगा कि टेक्निकल के हमारे दो एग्ज़ाम हुए थे, एक तो पोस्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम, एक कॉमन एग्ज़ाम। और EWS की जो हमारी टेक्निकल की कट ऑफ है वो 92 प्लस माइनस 3 रहने की उम्मीद है। OBC की जैसे 90 प्लस माइनस 3, SC की 87 प्लस माइनस 3, ST की 84 प्लस माइनस 3। अब हम बात करते हैं अकाउंट्स की कट ऑफ के बारे में। अकाउंट्स की कट ऑफ भी फ्रेंड्स आउट ऑफ 240 है, तो अनरिजर्व्ड की है कट ऑफ 120 प्लस माइनस 3 रहने की उम्मीद है। EWS की 115 प्लस माइनस 3, OBC की 113 प्लस माइनस 3, SC की 109 प्लस माइनस 3, ST की 105 प्लस माइनस 3, ये सभी कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आपको मार्च फर्स्ट वीक यानी 5 मार्च को आपका FCI 3 मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। पहले देखा गया है जो मैनेजर और FCI कैटेगरी 2 के रिजल्ट थे वो लगभग FCI ने 2 महीने के बाद डिक्लेयर कर दिए थे। तो अब जो आपका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो आपका रिजल्ट है FCI 3 मेंस का, वो 26 अप्रैल से 2 मई के बीच में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आई नो कि आप सभी बहुत बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो। अच्छी बात है, रिजल्ट का इंतज़ार होना भी चाहिए क्योंकि आपने एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत की है, तभी आपका FCI प्री का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप सिर्फ रिजल्ट का वेट ही मत करिए, आप अपनी प्रेपरेशन को जारी रखिए क्योंकि 2024 में इलेक्शंस हैं और आने वाले टाइम में वैकेंसीज लाइन अप हैं। तो फ्रेंड्स, आप उन्हीं की भी तैयारी करिए। जैसे हमारा आने वाले कुछ टाइम में IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, IBPS PO का, SBI क्लर्क का, और भी सारी वैकेंसीज लाइन अप हैं, तो आप उनकी भी तैयारी करिए। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। Cheers up. Thank you. Till now, bye-bye.